बेतिया में डीजे को लेकर मामला इतना बड़ा हो गया कि दो लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहां के रायसेन में दो समुदायों के बीच हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों ही जगहों पर मारपीट और बवाल में आगजनी की घटना भी हुई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, तो वहीं मकान और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। तो मध्य प्रदेश से भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई है, जहां आगजनी हुई। ना सिर्फ गाड़ियों को आग लगाई गई बल्कि मकानों को भी आग लगाई गई। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का पूरा वाक्या सामने आया है। अब दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार के बेतिया और मध्य प्रदेश के रायसेन की। यहां पर बेतिया की बात की जाए तो पुलिस थाने में पुलिस वालों पर हमला किया गया गांव वालों द्वारा, गाड़ियों में तोड़फोड़ आगजनी की गई। तो वहीं रायसेन में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें और मंजर देखने को मिला। यहां पर भी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, घर में भी आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब कुछ यहां मलबे में तब्दील हो चुका है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्चों के बीच हुए विवाद में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर गोलियां चली, पुलिस पर भी पथराव किया गया। रायसेन हिंसा में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे विवाद की बात की जाए तो दो लोगों की मौत भी इसमें हुई है। देर रात शुरू हुए इस संग्राम में जमकर फायरिंग भी हुई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई घरों और दुकानों को भी उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया और उन्हें जला दिया। खबर मिली थी डायल 100 के माध्यम से कि दो समुदाय के बीच में क्या कहते हैं गुटों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे और अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है, सामान्य है। कुछ लोग इंजर हुए हैं दोनों तरफ से, और क्या कहते हैं एक केस में 16 आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, उसमें से 13 की गिरफ्तारी हो गई है। फोर्स भी पर्याप्त संख्या में है और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है और अलग अलग जगह पॉइंट्स, पिकेटिंग पॉइंट्स और पेट्रोलिंग पॉइंट्स लगा दिए हैं। अभी कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? इसमें अभी एक है राजू सन ऑफ नारायण, तो उनकी मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में हुए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। दरअसल ये पूरा मामला दो बच्चों के विवाद से शुरू हुआ, दो बच्चों में हंगामा हुआ जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा और इस विवाद में दो समुदायों ने आपस में मारपीट और आगजनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि हिंसक बवाल के बीच कई राउंड तक फायरिंग भी होती रही। हंगामे में दो लोगों की मौत की भी खबर है, 50 से ज्यादा लोग इस पूरे हंगामे में घायल हुए हैं। कई घरों को, दुकानों को, गाड़ियों तक को जला दिया गया उपद्रवियों द्वारा और वहीं गिरफ्तारी के लिए गांव को सील भी कर दिया गया। 13 आरोपियों की अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिंसा के बाद 6 थानों की फोर्स को इस पूरे मामले में तैनात किया गया है। एसटीएफ की एक कंपनी को भी मौके पर तैनात किया गया है और जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रायसेन में ये पूरी हिंसा दो बच्चों की कहासुनी से शुरू हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।